अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दा मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बुल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक की बहुत बड़ी फजीलत है। इस माह का रोज़ा रखना इस्लाम का एक रुकन है। इसी माह में कुरान पाक नाजिल किया गया। खालिस नीयत के साथ यानी कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए खालिस नीयत के साथ रोज़ा रखना, ईमानदारी के साथ रखना असबाब मग़फ़रत है। यानी कि उस इंसान की मग़फ़रत कर दी जाती है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस माह में शैतान जकड़ दिए जाते हैं। माह रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो यही वजह होती है कि लोगों का शौक और शौक बहुत बड़ा होता है, हर नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उस वक्त शैतान उस महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला की रहमतें, खास रहमतें और बरकतें होती हैं। रमजानुल मुबारक में उमरे का सवाब हज के बराबर मिलता है और रोजा कयामत के दिन रोजादार की सिफारिश करेगा। रोजे का अजर बेहदो हिसाब है और यहाँ तक के क़यामत वाले दिन उसके लिए खास एक प्रोटोकॉल होगा, यानी कि बाबे रियान के दरवाजे से उसका दाखिल होना होगा। ये खास दरवाजा रोजेदारों के लिए होगा। और इब्ने माजा की रवायत है कि हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं और रमजान में रोजे रखने वाला, कयाम करने वाला कयामत के दिन सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला अपने खास बंदों में उस इंसान का शुमार फरमाएंगे जो रोजे रखने वाला होगा और तरावियां पढ़ने वाला यानी कि रात को लंबे कयाम करने वाला होगा, उसे इतना बड़ा दर्जा मिलेगा। रमजान की बरकतों से महरूम रहने वाला इंसान बेनसीब है। और इसके बारे में हदीस है इब्ने माजा की कि हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कदर मंजिलत के हिसाब से इतबार से हजार महीनों से बेहतर है। जो शख्स उसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नीस फरमाया, लैलतुल कदर की सआदत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। रोजा इस्लाम के पांच फ़राइज में से यानी कि पांच रुकनों में से एक रुकन है जो हर इंसान पर, हर मुसलमान पर फर्ज है, बालग मुसलमान पर फर्ज है। रोजे का मकसद गुनाहों से बचने और नेकी पर चलने की तरबियत देना है। रमजान का महीना पाने वाले हर मुसलमान पर पूरे महीने की रोजी रखना फर्ज है। अलबत्ता मुसाफिर और मरीज को रोजा ना रखने की रुख्सत है, लेकिन रमजान के बाद इन दिनों की कजा अदा करनी होगी। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो इस मौके का फायदा उठा ले, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और अपने रोजों का एहतमाम करें, शौक और शौक के साथ रोजे रखें। रोजे के दौरान मियां बीवी आपस में हमबिस्ती तो नहीं कर सकते, अलबत्ता जब रोजा खोल लिया तो रात को रोजा रखने से पहले पहले हम बिस्तरी कर सकते हैं। और रोजा रख लिया है तो अभी आपने गुसल नहीं किया और उधर से रोजा रखने का वक्त हो गया है तो आप पहले रोजा रख लें, बाद में गुसल कर लें और अपनी फजर की नमाज पढ़ लें। सहरी खाते वक्त हमेशा नियत की जाती है कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रख रही हूँ। जुबान से कहने की जरूरत नहीं, बस दिल में ही कर लेनी चाहिए। और फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले पहले करना जरूरी होती है।
हालांकि जो नफल रोजे हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं, दिनचर्या भी कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ खाया पिया तो आपने इरादा कर लिया कि आपने रोजा आज रख लेना है नफल रोजा, तो फिर आप नियत कर सकते हैं और रोजे से रह सकते हैं। इसके बारे में भी हदीस मिलती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है फर्ज रोजों की। और सहरी खाने में बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और रमजान अल मुबारक में सहरी खाने से पहले अजान देना सुन्नत से साबित है। पहले सहरी के बाद पहले अजान होती है, फिर फजर की अजान, तुलुए फजर की अजान होती है सहरी खाने के बाद, यानी के तुलुए फजर जबकि फजर का टाइम हो जाए फिर अजान एक होती है। तो पहली अजान के बाद आप सहरी खा सकते हैं, फिर दूसरी अजान के वक्त आप सहरी खाना बंद कर दें। और तिब्रानी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें इखलाक नबूवत से हैं, रोजा जल्दी इफ्तार करना, सहरी देर से खाना, नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर बांधना। और सहरी खाते वक्त अजान हो जाती है तो फौरन तर्क खाना नहीं करना चाहिए, और उसके बजाय जल्दी जल्दी तो खा लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए कि आप अजान होगी तो मेरा रोजा मकरूह हो जाएगा या होएगा ही नहीं अगर मैं खा लूंगी तो अपने सामने जो खाना पड़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी से आप खा लें। और इसके बारे में अबू दाऊद की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी अजान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे फौरन ना रख दे बल्कि अपनी जरूरत पूरी कर ले, यानी जी भर के पी ले तो फिर उसका रोजा हो जाता है। और हालांकि ये वीडियो भी आ गया था कि किसी ने कहा कि रोजा नहीं होगा, इस वीडियो को आगे लोगों तक फॉरवर्ड करो ताकि लोगों का रोजा खराब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में गिलास है तो उसे पी लें आप। और ताजा खजूर से या छुआरे से रोजा इफ्तार करना सुन्नत है, लेकिन नमक से रोजा इफ्तार करना सुन्नत से साबित नहीं है, जो कि अक्सर बहनों के सवाल आते हैं। रोजा इफ्तार करते वक्त दुआ मांगना मसनून है, मुस्तहब है, उस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। और बल्कि हदीस है अबू दाऊद की कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अच्छी तरह से याद कर लें जो कि सुन्नत से साबित है। وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَصَبَّتِ الْعَجْرُ إِنشَاءُ اللَّهُ ترجمہ ہے پیاس ختم ہوئی، رگے تار ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اور رمضان میں روزہ افطار کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا जितना अजर रोजा दार के लिए होगा और रोजा दार के अजर से कोई चीज कम ना होगी। इतना बड़ा अजर है उसे जो कोई इफ्तार करवाता है। और रोजा इफ्तार जिसने करवाया है इसे ये दुआ जरूर देनी चाहिए जो कि अहमद ने रिवायत फरमाया है, अफ्तरा इंदा कुमुसा इमुना व अकलत आमा कुमुल अब्रारु व तनज्जलत अली कुमुल मलाइका। ترجمہ ہے روزادار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ گھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ پاتے انہیں روزے داروں کا احترام کرنا چاہیے اور سر عام کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ روزے کا احترام ہے۔ روزے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، روزے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رمضان میں صدقہ دینا چاہیے۔ اور بہت ہی خاص بات جو کہ عورتوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ رہا کہ نہیں رہا۔ تو نہیں رہتا روزہ آپ لوگوں کا، چاہے افطاری سے ایک دو منٹ پہلے ہی حیض آ جائے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آج آپ اسی وقت اپنے روزے کو آزاد کر دیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ دن میں کسی وقت حیض آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں، اور جو آپ کا یہ روزہ ٹوٹا ہے اس کی بھی قضا آپ کو رمضان المبارک کے بعد کرنی پڑے گی۔ اب رمضان میں عورت کا حیض ختم ہو گیا ہے اور ابھی وائٹ ڈسچارج نہیں ہوا تو اب بھی روزہ نہیں رکھے گی جب تک کہ وائٹ نہیں ہو جاتا۔
तो अभी उसने हैज का गुसल करना है, लेकिन सुबह का वक्त है, उसने सहरी खा के रोजा भी रखना है, तो अपना रोजा वो रख ले और बाद में गुसल करके अपने फजर की नमाज पढ़ सकती है। चाहे गुसल जनाबत करना हो, चाहे हैज का गुसल करना हो, रोजा सहरी के वक्त औरत रख रही है तो रोजा रखने से पहले चाहे तो गुसल कर ले। मुस्तहब तो यही है कि रोजा रखने से पहले कर ले, लेकिन अगर वक्त तंग है तो पहले रोजा रख ले और बाद में गुसल कर ले। अब रमजान में जितने भी रोजे छूटे हैं वो रमजान अल मुबारक के बाद सून एज पॉसिबल रख ले। ऐसे लोग जिनको दायमी बीमारी है वो रोजा नहीं रख पाते तो उनको चाहिए कि वो फिदिया दे लें। सफर में चाहे कोई रोजा रख ले चाहे छोड़ दे, दोनों बातों पर उसकी मर्जी है, उसको रुख्सत है, वो जैसे मर्जी कर ले, लेकिन छोड़ेगा तो बाद में जरूर रखेगा। और इसके बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे, उसकी मर्जी है, लेकिन बाद में जरूर पूरे करे। हामला औरत के ऊपर भी यही है कि उसकी मर्जी है, चाहे तो रखे चाहे तो बाद में पूरे कर ले। और यहाँ तक कि अगर उसने बाद में दूध भी पिलाना है तो फिर लंबा अरसा हो जाता है, उसके लिए रोजे रखने मुश्किल हो जाते हैं, तो चाहे तो वो फिदिया भी दे दे, रोजों की जगह फिदिया दे दे। फिदिया पर रोजे के बदले पर पर्सन को खाना खिलाना होता है, किसी को पैसे देना नहीं होता, रोजे के बदले खाना खिलाना होता है, जो कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, कजा रोजों की अदायगी दूसरे रमजान से पहले पहले कर लेनी चाहिए। बल्कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत होती थी, उनसे मोहब्बत की वजह से वो जो शुबान होता था उसमें कजा रोजे नहीं रखती थी। और अगर कोई मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसके ऊपर जो कजा रोजे थे उसने रखने थे, घर वालों को पता है कि उसके इतने रोजे रहते थे, तो उसके बारे में ये हुक्म है कि उसके वारिस रोजे रखें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उस पर फर्ज रोजे रखने बाकी हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से कजा रोजे रखे। अब ये नहीं कि कोई सारी उम्र रोजे ना रखे और मर जाए तो फिर वारिसों के ऊपर मुसीबत आ जाए कि इतने सालों के कजा रोजे वो कैसे रखेंगे। वो इंसान जो रोजेदार है, रोजे रखता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो अपने रोजे नहीं रख पाया, तो उसके छूटे हुए रोजे उसके वारिस रख लें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि उनके बारे में बताया जाए जिनकी वजह से रोजा मकरूह हो जाता है। आप अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।